आप देख रहे हैं BHBC News। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की सीमा पर मई से ही तनाव जारी है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच हाल में सीमा विवाद गहरा गया है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर हिंसक झड़प की घटनाएं भी सामने आई है। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव 15 जून की रात को हुई घटना के बाद से अपने चरम पर पहुंच गया। 15 जून की रात पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। वहीं चीन ने इस झड़प में हताहत हुए अपने सैनिकों की संख्या को उजागर नहीं किया था। हालांकि एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि इस झड़प में चीन के 43 के करीब जवान हताहत हुए थे। दोनों ही देशों के बीच सीमा पर हुई इन घटनाओं के बाद तनाव को कम करने के लिए कई दौर की वार्ताएं हुई हैं। हालांकि चीन के लगातार आक्रामक रवैये और सीमा पर पीछे हटने के अड़ियल रुख के चलते अब तक सीमा विवाद का हल नहीं निकल पाया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध की शुरुआत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 17 नवंबर को ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब वहीं भारत के पिथौरागढ़ जिले के लगे सीमावर्ती क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी, कूटी, गुंजी, नाभी और लिम्पियाधुरा पर नेपाल सरकार ने एक दफा फिर अपना दावा ठोक कर सीमा विवाद को हवा दी है। इस बार विवादित बोल के पीछे 3 माह पहले नेपाल में गठित 9 सदस्यीय टीम की एक रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। टीम ने अपनी रिपोर्ट नेपाल सरकार को सौंप दी है, जिसमें भारत नेपाल के बीच सीमा निर्धारण को हुई सुगौली की संधि को जोड़कर अपने पक्ष में दिखाया गया है। नेपाल ने भारत की तरफ से लिपुलेख तक बीती 8 मई को सड़क पहुंचाने के बाद सीमा विवाद को हवा दी थी। उसने तब लिपुलेख, कालापानी, कूटी, गुंजी और लिम्पियाधुरा को अपना बताते हुए इस पर दावा किया था। बाद में नेपाल ने 21 मई को अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी कर इन सभी भारतीय क्षेत्रों को उसमें शामिल कर दिया था। सीमा विवाद के गहराने के बाद नेपाल की तरफ से वहां के नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु राज उप्रेती के नेतृत्व में एक 9 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, जिसे इस सीमा विवाद को लेकर नेपाल के पक्ष में प्रमाण जुटाने का जिम्मा दिया गया था। 3 माह में इस टीम ने सुगौली की संधि को जोड़कर नेपाल के पक्ष में दिखाते हुए अब नेपाल सरकार को रिपोर्ट दी। साथ ही सीमा विवाद को लेकर नेपाल की 9 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट तैयार होने की जानकारी नेपाल विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने नेपाल में एक कार्यक्रम में दी है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर नेपाल भारत से वार्ता की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC News। आप देख रहे हैं BHBC News।